नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। बहुत सारे लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रहे होंगे, नो डाउट। जब किसी का तबियत खराब होता है तो सबसे पहले अपने पास वाले डॉक्टर के पास ही जाता है कि हाँ वो कोई सॉल्यूशन दे, कोई मेडिसिन दे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो मेडिसिन 1 महीना, 6 महीना, साल भर, या फिर हम इस चीज के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि क्या पता हमें लाइफ टाइम में मेडिसिन खानी हो। और अगर बॉडी में आपकी कोई समस्या हो, कोई दर्द हो, तो आपको पेन किलर वगैरह दिया जा रहा है, तो आप जानते हैं कि वो पेन किलर कितना खतरनाक होता है हमारे लीवर और किडनी के लिए, लेकिन फिर भी हम उसे खाते रहते हैं। तो जब हम इतना एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ इतना पेशेंस बना सकते हैं, इतना हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये मेडिसिन हमें लंबे समय तक खानी होगी या फिर लाइफ टाइम खानी होगी। पेन किलर है, पेन किलर तो आप जानते हैं, पेन किलर यानी कि दर्द को दबाता है, दर्द को ठीक नहीं करता है। पेन किलर सिर्फ और सिर्फ दर्द को दबाने की दवा है, दर्द को ठीक करने की दवा नहीं है। जस्ट इसके अपोजिट आयुर्वेद में है। आपको एलोपैथिक में इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा दर्द से, लेकिन आपको आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आपको थेरेपी लेनी होती है जो कि योगग्राम में मिलती है। तो आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप योगग्राम चले जाइए, वहां पे बहुत सारी थेरेपी मिलती है जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलती है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। जैसे आप एलोपैथिक में धैर्य बनाते हैं, आप लाइफ टाइम खाने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ दबा के रखती है, क्योर नहीं करती है। तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या होता है कि आपकी चीज बीमारी क्योर भी होती है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आप 1 हफ्ता, 1 महीना मेडिसिन खा लेंगे और आप सोचेंगे आपका दर्द कम नहीं हो रहा है। तो आप आयुर्वेद मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन साथ में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इस चीज को डॉक्टर भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम अगर अपने दिनचर्या को सुधारेंगे तो हम अपने बीमारी को काबू में कर सकते हैं। हमारे गलत दिनचर्या की वजह से ही बीमारी हमारे शरीर में पनपती रहती है। बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, दुनिया भर की मीठे मीठे चीजें खाते हैं, लेट से उठना, लेट से सोना, गलत रहन सहन, इन वजह से ही हमारे शरीर में बीमारी आती है, हमारी गलती की वजह से ही आती है। तो क्यों ना हम इसे उल्टा कर दे, हमारी गलती की वजह से अगर हमारे शरीर में बिना बीमारी का जन्म हुआ है तो हम उस चीज को सुधार देते। अगर हम उसको सुधार देंगे तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर उथल पुथल हुआ है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर गड़बड़ी हुआ, वो सब सही होने लगेगी। और जब सब सही होने लगेगी तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे वो जन्म लिए वैसे वैसे वो नष्ट भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर बहुत मेहनत करना होगा, बहुत धैर्य बनाए रखना होगा। आप चाहे एलोपैथिक दवाइयां लीजिए या फिर आयुर्वेद दवाइयां लीजिए, आप अपने अंदर धैर्य बनाए रखिए, मेहनत कीजिए। मेहनत क्या करना होगा, आपको परहेज करना होगा जिन चीजों से आपको प्रॉब्लम है। बाहर की चीजें नहीं खानी है, चीनी, मैदा, रिफाइंड, ऑयली, चिकना चीज नहीं खाना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। और कोल्ड ड्रिंक, ये सबसे तो आप एनर्जी ड्रिंक के नाम पे तो आजकल बहुत कुछ मिलता है, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे तो मैंने पर्सनली अपने फैमिली में देखा है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम आता है, बहुत ही खराब चीज होता है। आप गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीने से आपके ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छी रहेगी, उससे आपको दर्द भी कम महसूस होगा और समय के साथ 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 आपका दर्द भी चला जाएगा। आप जो भी मेडिसिन ले रहे, चाहे एलोपैथिक हो या फिर आयुर्वेद हो, मैं आयुर्वेद में ज्यादा बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर आप एलोपैथिक भी ले रहे हैं तो वो भी आप लीजिए, लेकिन आप अपने दिनचर्या को सही रखिए। और आप पता कीजिए कि आपको जो बीमारी है उससे रिलेटेड आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। जो हमारा जो डाइट रहता है वो हमारे बीमारी को दूर भगाती है हमसे, वो मतलब हमारे शरीर में जो भी गड़बड़ी हुई है उसको हील करती है। जैसे कि अगर आपका घुटना खराब है, घुटना घिस गया है, लंग्स डैमेज है, पेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके डाइट की वजह से वो ठीक होने लगेगी। तो औषधि से ज्यादा मेरा बिलीव है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन से ज्यादा आपका रहन सहन और डाइट काम आता है, आपका खाना पीना काम आता है। आप अपने दिनचर्या को सब सही कर लीजिए, आप अपने डाइट को सही से लीजिए, एक्यूप्रेशर कीजिए। एक्यूप्रेशर को आप लाइटली मत लीजिए, वो भी बहुत ही कारगर उपाय होता है। तो आप एक्यूप्रेशर कीजिए, आप घर पे रहकर भी आप ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप योगग्राम जाए, योगग्राम आप जा सकते हैं। योगग्राम जाने की इसलिए जाने के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वहां पे इतने सारे थेरेपी दी जाते हैं जिससे आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन होता है वो निकल जाता है। आपके शरीर से टॉक्सिन अगर निकल जाएगा तो आप जो भी दवाइयां ले रहे हैं वो आप पे अच्छे से काम करेगी। आपके अंदर टॉक्सिन, हमारे अंदर बहुत सारे टॉक्सिन रहते हैं हमारे गलत दिनचर्या के कारण, और खासतौर पे जो मोबाइल हमारे आसपास रहता है जिसको हम लोग चाह करके भी अपने से दूर नहीं कर पाते, वो हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हम लोग बिना मोबाइल लैपटॉप के रह ही नहीं सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर इतने सारे रेडिएशन टॉक्सिन की वजह से बीमारी जो पनपी है, उस टॉक्सिन को निकालने का
निकालने के लिए बहुत सारे थेरेपी योगा में दी जाती है, तो आप वहां पे जाइए एक हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए आप जाइए। बड़ी बीमारी है तो आप 1 महीने का प्रोग्राम बना के जाइए और वहां पे थेरेपी लीजिए, आपके शरीर से टॉक्सिन निकल जाएगी। उसके बाद आप जब घर आएंगे तो आप देखेंगे, रिजल्ट पाएंगे कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं एलोपैथिक या आयुर्वेदिक, वो आप पे काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अब टॉक्सिन है ही नहीं, तो अब वो दवाइयाँ ज्यादा अच्छे से काम करेगी। हम घर में बैठ करके दवाई सिर्फ दवाई के भरोसे रहेंगे तो उतना असर ना करे, बहुत धीरे धीरे करेगी और वहीं पे हम अपना पेशेंस खो देते हैं। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और योगा, योगा तो बहुत जरूरी है, योगा तो मैं, योगा कभी मत छोड़िए, लाइफ टाइम योगा आप करिए। सुबह 1 घंटा आप योगा कीजिए कपालभाति, और सबसे ज्यादा जो फायदा करता है, जैसे बाबा रामदेव जो बताते हैं कि अनुलोम विलोम 99% फायदा करता है, प्राणायाम 99% फायदा करता है, ये बात सही बोल रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम के जरिए ही अपने इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई, सिर्फ अनुलोम विलोम करने से ही, और मैं कुछ आसन वगैरह नहीं करती थी, सिर्फ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम या भस्त्रिका आप करने लायक है, मतलब मैं नहीं कर पाती थी, भस्त्रिका आप कर सकते हैं तो उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत जाती है, और ऑक्सीजन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जहां भी कुछ डैमेज रहता है उसको रीजनरेट करने का काम करती है। तो अगर आप योगराम जा रहे हैं तो आप धैर्य बनाए रखिए, आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो धैर्य बनाए रखिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन खास तौर पे बहुत, वो क्या करती है, वो बीमारी को नष्ट करती है, जड़ से उखाड़ देती है, उसको दबाती नहीं है, और हमारी इम्यूनिटी को वो बढ़ाने का काम करती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यही सब आपको बताना था, और इस तरह की बातें जानकारी मैं अक्सर आप लोगों के सामने लाती रहती हूँ। योगराम से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी भरी वीडियो मैं अपने चैनल पे डाली, आप उसको देख सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट पे बताइए। नमस्कार।